हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल टू चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी और बीपीएससी तैयारी 2.0 के लिए हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, बिहार एसएससी में हिस्ट्री से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बीपीएससी से भी लगभग 10-15 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा जो टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला टॉपिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। हम वहीं से इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। हम टोटल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही क्वेश्चंस को कवर किए हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हम इस क्वेश्चंस को पूरे डिटेल्स डिस्कशन के साथ कवर करने का प्रयास करेंगे और एक हम एक हर एक ऑप्शन पर इस पर बात करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। तो हम वीडियो अपना शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पहले हम इसका सही उत्तर के बारे में देख लेते। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1929। कब? तो दोस्तों 1929, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके डिस्कशन के बारे में। तो दोस्तों 1929 ईस्वी में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्राप्ति पारित किया, ठीक है दोस्तों। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया कब? 1929 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन था उस समय दोस्तों? तो 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है दोस्तों। 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था दोस्तों। 1929 लाहौर के अधिवेशन में, 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यह प्रस्ताव को पारित किया गया था, उसमें पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था दोस्तों। इतना आप लोग याद रखिएगा। अगले थोड़े चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम 1931 में क्या हुआ दोस्तों। 31 दिसंबर 1929, ठीक है, 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया था। क्या कह रहा था दोस्तों? 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। उसने क्या किया कि तिरंगा झंडा फहराया और उसी समय पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का घोषणा किया, ठीक है दोस्तों। और उसने वंदे मातरम तथा इनकलाब जिंदा जिंदाबाद के नारों के बीच में उसने उन्होंने क्या किया, झंडा को फहराया। कब? तो 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है दोस्तों, ये बात भी याद रखिएगा दोस्तों। 26 जनवरी 1930 को, कब? 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? 26 जनवरी 1930 को, मतलब प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता, क्या? पूर्ण स्वाधीनता के रूप, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। यही बात दोस्तों याद रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव जो कब पारित हुआ था, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन। इसमें क्या पारित हुआ था? स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था 1906 को कलकत्ता के अधिवेशन में, ठीक है। यह बात भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों 1919, बात करें दोस्तों 1919 में क्या हुआ था दोस्तों? 1919 में रौलेट एक्ट आया था। कब? तो 18 मार्च 1919 को रौलेट एक्ट आया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, 18 मार्च 1919 को क्या आया था दोस्तों? रौलेट रौलेट एक्ट, ठीक है, रौलेट एक्ट लागू किया गया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों 1917 में रौलेट एक्ट का कमीशन बनाया गया था। ये कमीशन कब बनाया गया था? तो दोस्तों रौलेट एक्ट का कमीशन जो था वो 1917 में बनाया गया था, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन था? तो सर सिडनी रौलेट। इसका अध्यक्ष कौन था? रौलेट एक्ट का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो सर सिडनी रौलेट जो था, रौलेट एक्ट का अध्यक्ष था, ठीक है दोस्तों।
रॉलेट टेक में क्या होता था दोस्तों, रॉलेट टेक में ये होता था किसी व्यक्ति को किसी संदेश के आधार पर गिरफ्तारी कर लिया जाता था। रॉलेट एक्ट में क्या कहता था दोस्तों, तो रॉलेट एक्ट में किसी भी व्यक्ति को बिना किसी संदेश के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है, यही रॉलेट एक्ट था। इसमें एक आता है रॉलेट एक्ट में, यह था कि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून था। रॉलेट एक्ट जो था दोस्तों, रॉलेट मैं यहाँ लिख देता हूँ, रॉलेट एक्ट जो था दोस्तों ये था बिना वकील, बिना वकील, बिना वकील, बिना दल सॉरी बिना दलील, ठीक है, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील, बिना अपील का कानून था ये, रॉलेट एक्ट वाला कानून था, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों 1916, ठीक है, 1916 में थोड़े से डिस्कस करते हैं 1916 के बारे में। दोस्तों 1916 में क्या होता है दोस्तों, 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। क्या होता है दोस्तों इसमें, 1916 में लखनऊ लखनऊ अधिवेशन होता है, ठीक है दोस्तों। इसका अध्यक्ष कौन था दोस्तों, इसका अध्यक्ष था अंबिका चरण मजूमदार। इसका अध्यक्ष कौन था, अंबिका अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है दोस्तों। ये बात है 1916 की, ठीक है। 1916 में क्या हुआ था, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ 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 था, ठीक है, जिसमें अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार जी थे, उनका अधि सॉरी उसका अधिवेशन में अध्यक्ष थे, ठीक है। लेकिन इस अध्यक्ष 19 लखनऊ अधिवेशन सॉरी लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ दोस्तों, तो लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है। इतना बात दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथा कथित कुशासन के आधार पर, तथा कथित कथित कुशासन के आधार पर किस वर्ष गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था दोस्तों। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन के रूप में ले लिया था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा लॉर्ड विलियम बैंटिक ने, ठीक है। किसने लिया था दोस्तों, तो लॉर्ड विलियम बैंटिक ने दोस्तों, कथा कथित अनुशासन के आधार पर लॉर्ड विलियम बैंटिक ने मैसूर राज्य को ले लिया था, मिला लिया था, ठीक है दोस्तों। विलियम बैटिक जो था वह कुशासन के आधार पर, विलियम बैटिक था जो, वह कुशासन के आधार पर 1856 ईस्वी में क्या कहता था, अवध को लॉर्ड डलहौजी से मिला था। ये किससे मिला था, 1856 में, 1856 को ये क्या किससे मिला था, कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी से मिला था, ठीक है, ये लॉर्ड डलहौजी से मिला था, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी से ये मिला था। दोस्तों अब बात करते हैं कि विलियम बैटिक का कार्यकाल क्या था दोस्तों, विलियम बैटिक का कार्यकाल था जो 1828 से लेके 1800 सॉरी 1828 से लेके 1835 तक इसका कार्यकाल था, किसका कार्यकाल था, कार्यकाल था किसका, तो विलियम बैटिक का, ठीक है दोस्तों। विलियम बैटिक का कार्यकाल यह था दोस्तों, विलियम बैटिक जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये कौन था, ये दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। ये बात भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि विलियम बैटिक जो था वह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मीर जाफर, ठीक है दोस्तों। नहीं नहीं सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा मीर कासिम, ये वाला नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम, ठीक है दोस्तों। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से लेकर मुंगेर स्थानांतरित किया था, ठीक है दोस्तों। मीर कासिम जो था वो अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से लेकर मुंगेर स्थानांतरित किया था। मुर्शिद कुली खान ने ढाका में स्थान पर, मुर्शिद कुली खान जो था वो दोस्तों ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद राजधानी को बंगाल बनाया था, ठीक है। अब ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को बंगाल किसने बनाया था, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुर्शिद कुली खान, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन, सिराजुद्दौला, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सिराजुद्दौला, ठीक है दोस्तों, सिराजुद्दौला के साथ 23 जून 1757 ईस्वी, कब दोस्तों, तो 23 जून, सॉरी जून लिखा गया, 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेज के प्लासी का युद्ध किया। सिराजुद्दौला जो था वो 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेज के प्लासी का युद्ध, अंग्रेज का कौन सा दोस्तों, प्लासी का युद्ध, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध 23 जून
1757 शिरोजादुल्ला ने किया था अंग्रेजों से। ठीक है, मीर कासिम की बात कर लेते हैं, तो मीर कासिम को देख लिए हम लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। ये कौन से नेता थे? ये गरम दल के नेता थे। ठीक है दोस्तों, ये किस नेता से? ये थे दोस्तों उग्रवादियों, ये उग्रवादियों से जुड़े हुए थे। ठीक है, बाकी ये तीनों जो थे ये उदारवादियों नेता से, नरम दल के नेता थे, ये लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। ठीक है दोस्तों, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़े हुए नहीं थे, ये दोस्तों उग्रवादियों के नेता से जुड़े हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये गरम दल के नेता थे, ये उग्रवादी विचारधारा के नेता थे, जिन्हें हम गरम दल के नेता भी बोल देते हैं। ठीक है, उग्रवादी विचारधारा का उदय 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ था। दोस्तों उग्रवादी विचारधारा का उदय कब हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि उग्रवादियों विचारधारा का उदय कब हुआ था? दोस्तों 19वीं शताब्दी की अंतिम चरण में, कब? 19वीं शताब्दी शताब्दी के अंतिम चरण में इनका उदय हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं कि उग्रवादी नेता के अंतर्गत आते कौन थे, तो शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्टकट में लिखते हैं उसको, बाल, पाल और लाल। बाल से होएगा दोस्तों बिपिन चंद्र पाल, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, बाल, पाल, लाल। बाल से होगा दोस्तों, बाल से होगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, पाल से होगा दोस्तों बचेंद्री पाल, सॉरी बिपिन चंद्र पाल, और लाल से होगा दोस्तों लाल लाजपत राय, और एक थे और नेता थे जिनका नाम था अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष ये भी थे हमारे उग्रवादियों के नेता से जुड़े हुए थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते हैं दोस्तों? दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं दादा भाई नौरोजी। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ये किस नेता से थे? ये उदारवादियों से नहीं, ये उदारवादियों के नेता से जुड़े हुए थे। ये नरम दल के नेता थे। ये किस दल के नेता थे? ये नरम दल के नेता थे। ठीक है दोस्तों, तो लाला लाजपत राय को क्या बोलते हैं दोस्तों? लाला लाजपत राय को पंजाब के केसरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पंजाब केसरी, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, लाला लाजपत राय का दोस्तों मौत कैसे हो गई? तो दोस्तों साइमन कमीशन के विरोध में 30 अक्टूबर 1928 को, कब दोस्तों? साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन के विरोध में 30 अक्टूबर 1928 को में लाठीचार्ज में गंभीर चोट लगने के कारण दोस्तों क्या हुआ? 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। 30 अक्टूबर 1928 को, 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज में गंभीर चोट लगने के कारण इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को दोस्तों हो गई। ये बात आप लोग भी दोस्तों याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है दोस्तों, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जीना। किसने की दोस्तों? मोहम्मद अली जीना। ठीक है, मोहम्मद अली जीना के लाहौर अधिवेशन, कौन सा दोस्तों? लाहौर अधिवेशन 1940 में इसने क्या किया था? अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन में 1940 में मोहम्मद अली जीना ने पाकिस्तान की मांग की थी। ये क्या किया था दोस्तों? 1940 में मोहम्मद अली जीना जो था वो पाकिस्तान की मांग किया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो 1906 को हुई थी। कब दोस्तों? 1906 ईस्वी को नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था दोस्तों? नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। तो दोस्तों मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन, यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ,
प्रथम अधिवेशन, तो मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1908 में कब हुआ था दोस्तों? 1908 ईस्वी में हुआ था, और कहां पे हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। कहां पे? अमृतसर में हुआ था, ठीक। 1940 की अब बात करते हैं, 1940 वाला क्वेश्चन आगे। 1940 के लाहौर अधिवेशन में दो राष्ट्रों का सिद्धांत का प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों। 1940 में दो राष्ट्रों में सिद्धांत का प्रस्ताव पारित किया गया था। इतना बात दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1920। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया था। दोस्तों असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान दोस्तों किसने, गांधी जी ने अपने, उनको जो अंग्रेजों ने उपाधि दिया था कैसर ए हिंद की उपाधि, कौन सा, यहाँ लिख देता हूँ, कैसर, कैसर ए हिंद, ठीक है दोस्तों, कैसर ए हिंद की उपाधि जो, जिनको गांधी जी ने अंग्रेजों ने जो दिया था, उन्होंने गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के बाद क्या किया था? वापस कर दिया था, ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन के बाद, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं उसके आसपास कुछ घटना के बारे में जानकारी कर लेते हैं दोस्तों। चौरा चौरी जो होता है, एक आता है दोस्तों चौरा चौरी घटना, तो दोस्तों क्वेश्चन में आ जाता है कि चौरा चौरी घटना कब हुआ था? तो दोस्तों चौरा चौरी घटना जो हुआ था वो, दोस्तों बात करते हैं चौरा चौरी घटना कब हुआ था? तो दोस्तों चौरा चौरी घटना जो हुआ था वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरा चौरी घटना, ठीक है दोस्तों, चौरा चौरी घटना के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी थी। कब? तो चौरा चौरी घटना कब हुआ दोस्तों? 4 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की घोषणा को समाप्त करने की घोषणा कर दी, ठीक है दोस्तों। लेकिन असहयोग आंदोलन की घोषणा समाप्त होते ही मार्च 1922 को गांधी को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। क्वेश्चन आता है कि गांधी जी को गिरफ्तार किस वर्ष किया गया था? दोस्तों मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये बात भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन शुरू किस वर्ष हुआ था? तो 1920, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जो दोस्तों आरंभ हुआ था, पूरा हो गया दोस्तों, डेट इसका हो गया 1 अगस्त, 1 अगस्त 1920, 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे या ठहरे थे? दोस्तों अगला क्वेश्चन, जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो वो ठहरे थे कहाँ पे? तो किंग स्ले हॉल में ठहरे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, किंग स्ले हॉल में ठहरे थे, ठीक है दोस्तों। असहयोग, सॉरी असहयोग बोल रहा हूँ, गांधी जी लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे, ठीक है। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता दोस्तों, 5 मार्च 1931 कब? तो ये बात है 5 मार्च 1931, ठीक है। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता, कौन सा समझौता दोस्तों? गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी ने कांग्रेस में एकमात्र पद प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में शामिल हुआ। कौन सम्मेलन में? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, ठीक है। अब बात करते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था। कब चला था? 7 सितंबर से लेकर, 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक, 1931 तक कल क्या चला था दोस्तों? द्वितीय गोलमेज। अब बात करते हैं कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये 12 नवंबर 1930 से स्टार्ट हुआ था। कब? 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक किया गया था, ठीक है। 19 जनवरी 1931
किया गया था, कौन सा? तो प्रथम, द्वितीय देख लिए, अब बात करते हैं तृतीय। तृतीय को द्वितीय यहाँ रह गया, द्वितीय कुल में सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय था। अब तृतीय, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक। 17 नवंबर 1932 से लेकर 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया है? दोस्तों ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत को शामिल किया गया था, ठीक है दोस्तों। 1813 के चार्टर एक्ट के कंपनी ने भारत में व्यापार करने का अधिकार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया था दोस्तों। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारत में व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। दोस्तों बात करते हैं 1833, ठीक है, 1833, 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक। तो दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में प्रथम विधि आयोग, 1833 का चार्टर एक्ट में प्रथम भारत का विधि आयोग का गठन 1834 में, 1833 का गठन 1834 में कब? तो 1833 का गठन 1834 में लॉर्ड मैकाले, कौन दोस्तों? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। किसके मैकाले में किया था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? दोस्तों निम्न में से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय अखिल सेवाओं का जनक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। संवैधानिक सभा में अखिल भारतीय सेवाओं के प्रमुख समर्थक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है, जिनको अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, किस अनुच्छेद के अनुसार दोस्तों? भारतीय अनुच्छेद 312 के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है, किस किस में किया गया? तो अनुच्छेद 312 के तहत किया गया, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये बात भी आप लोग याद रखिएगा कि भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कार्नेवालिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? भारत में नागरिक सेवा का जनक जो है वो लॉर्ड कार्नेवालिस को कहा जाता है, ठीक। लेकिन भारत में संविधान के अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक लोक सेवा आयोग संबंधित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन भूगोल का गया, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। पश्चिमी घाट की कुल लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। अब बात करते हैं पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 600 मीटर है, ठीक है, 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, ये बात। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो दोस्तों कपास की खेती करने के लिए कौन सी मिट्टी जो है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी,
ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी। दोस्तों कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। दोस्तों भारत में कपास के पौधे का इसको मूल स्थान माना जाता है। ठीक है, भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में कपास के मुख्य उत्पादन राज्य हैं। कहाँ पे दोस्तों? तो भारत में जो है मुख्य उत्पादन मुख्य उत्पादन कहाँ कहाँ पे है? तो भारत में गुजरात और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है दोस्तों, कपास की खेती होने में लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं। कितने समय लगते हैं? तो 6 से 8 महीने का समय लग जाता है। दोस्तों कपास का जो है वह खड़ी फसल के अंतर्गत आता है। कपास जो है दोस्तों, कपास ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। दोस्तों इतना बात याद रखिएगा, अगले क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों ये था हमारा इतना ही क्वेश्चन था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी अपने दोस्तों के बीच कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।